वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्त। और यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस समय रात के अराउंड 3:15 बज रहे हैं, और रात को क्या बोलूँगा, सुबह के 3:15 बज रहे हैं इनफैक्ट। और हमेशा मैं आपको कई लेक्चर्स के दौरान कहता रहा कि चंद्रा हमेशा जाग रही होती है, और आप देखिए मेरे साथ हरि सर भी हैं, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, 2-3 लोग हैं, और एक बार आपको हरि सर से मिला देना चाहूँगा। सर आइए, सर खुद मतलब सोचिए सर, एक बहुत ही आपको बता दूँ, सर एनआईटी देहरादून, एनआईटी आप सोचिए कितने फ़ख्र की बात है कि एनआईटी देहरादून से बीटेक होने के बावजूद सर खुद जग रहे हैं और मेरे साथ बने हुए हैं, और बल्कि काफ़ी देर से कैमरे पे सर ही बैठे हैं। तो मतलब आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इंस्टीट्यूट हमेशा आपके बारे में गए, छुट्टियां हैं आप जानते हैं, 20 से लेकर 26 तक विद्यालय सॉरी इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान बंद है हमारा, तो क्योंकि थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम आ रही है। और सर से सर एक बार दो शब्द आप कहिए सर। चलिए सर, चलिए आप लोग पूरे एनर्जी के साथ जैसे हम लोग लगे हैं, आप भी अपनी एनर्जी लगाइए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं आप कि सर मतलब मुझे थोड़ा भावुकता सी आ गई कि हम लोग जग रहे हैं इस समय, और हमेशा गाइज आपको जान लगा देंगे। और गाइज कभी अगर हम कुछ भी आपसे ऐसा कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, पैसा नहीं दोस्त, वी डोंट वांट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू, अगर कभी किसी और मानसिक सहयोग की कोई ज़रूरत पड़ी तो आशा करता हूँ आप लोग करेंगे। हो सकता है वीडियो में कल परसों लाइव करवा दूँ। तो चलिए बस ज़्यादा भावुक होने की वजह से सीधा टॉपिक क्या होगा, तो अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आशा करता हूँ आप हमें सहयोग करेंगे। चलिए टॉपिक पाते हैं। यह आपको देखना, आपके टॉपिक में तीन नई चीज़, 4-5 नई चीज़ें जिसे डैट जुड़ा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला, जिला चिकित्सालय, गैर सरकारी संगठन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा तथ्य नहीं कि आप डेटा याद करो, इन सब में डेटा थोड़ा थोड़ा है। तो चलिए एक बार बात करते हैं डैट। आजकल देखा BTC का प्रशिक्षण भी आपको मालूम होगा डैट्स पे होता है, तो डैट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस कारण इसे शॉर्ट में हम डैट कहते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ से हुई, उन्होंने कहा कि बहुत दूर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें कहा गया था उसकी बहुत दूर पड़ जा रही केंद्रीय या राज्य की व्यवस्था, कुछ शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए और यह जिले स्तर पर कार्य क्रियान्वयन किया जाए। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हो, इस स्थापना की सलाह दी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय नीति होगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पे शिक्षा लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय जो आज तक मुझे लेटेस्ट डेटा मिला है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, कुल 70 डायट सेंटर काम कर रहे हैं इस समय। नए नियमों के अनुसार अगर नए डायट कोई स्थापित कर रहा है तो उसे 10 एकड़ भूमि चाहिए जो राज्य सरकार के खर्चे से आएगी। यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मतलब के द्वारा बनाया गया एक पैमाना है, एक मानक है। शेष सभी खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। डायट में प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, आवासीय व्यवस्था, छात्रावास सुविधा, शैक्षिक मनोविज्ञान शाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर का अलग से विभाग तथा पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तकें होनी चाहिए। मतलब यह मानक है डायट स्थापित करने का। अगला क्या है डायट के कार्य, तो डायट के कुछ प्रमुख कार्य एक बार देख लीजिए। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, जब आप शिक्षक बन जाएंगे, भगवान करे आप बने, तो आपकी जो ज्वाइन करने से पहले की ट्रेनिंग होती है वो डायट पर होती है पूरी, आप ये बात को जानते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण, जैसे आप जॉब करने भी लगे 4-6 सालों बाद, जब कोई नवाचार, कोई नया सिस्टम, कोई नई शिक्षण विधि या कोई नई टेक्निक आती है, तो यह ट्रेनिंग भी डायट पे दी जाती है। अगला क्या है निरौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण, जैसे आजकल आपने देखा आंगनवाड़ी हो गया, या प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम है, जो कार्यकर्ता इनसे जुड़े हुए हैं, उनका भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन करता है, डायट करता है। प्रधानाचार्यों के लिए जैसे रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं, तथा शैक्षिक प्रशासन एवं सुधार का भी विकेंद्रीकरण करता है कौन, डायट।
प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सल हो, सभी को प्राप्त हो, यह भी सुनिश्चित करने का कार्य डायट को दिया गया है। सामुदायिक कार्यकर्ताओं का आवश्यकता के अनुसार जो समुदाय जैसे ग्राम प्रधान या बाकी समितियां जो शिक्षा से जुड़ी हैं उनको बीच बीच में ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना भी डायट का काम है। देखिए यह पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। पूरे भारत में एक नेशनल स्केल बनाया गया है डायट के 7 अंगों का, और यहाँ से एक चांस बनेगा क्वेश्चन में क्या, सेवा पुरुष, इसमें 7 विभाग हैं जिन्हें 7 अंग कहा जाता है डायट का। पहला सेवा पुरुष शिक्षक, शिक्षक विभाग मतलब यह विभाग ज्वाइन करने से पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा विभाग है सेवारत, मतलब जो टीचर ज्वाइन कर चुके हैं 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं उनको बीच बीच में अपडेट करना, नई स्किल सिखाना, नए कौशलों का अर्जन करना, नई तकनीक से परिचित कराना, इस विभाग का काम है। जिला संसाधन इकाई, तो दोस्त जिला संसाधन इकाई का जो मुख्य कार्य है अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना है। तथा योजना एवं प्रबंधन विभाग जो है इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्त, योजना एवं प्रबंधन विभाग का वो ये है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या जो बाकी ज़िले में शैक्षिक योजनाओं का प्रबंधन है वो होगा। तथा पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन विभाग, इसका मुख्य कार्य पाठ्यक्रम की तैयारी में योगदान करना है। कार्य अनुभव विभाग में जो लोगों के वर्क एक्सपीरियंस को वरीयता दी जाती है। और यहाँ पे है शैक्षिक तकनीकी विभाग, यहाँ पे देखिए बेसिकली इनका टारगेट है सस्ते मूल्य पर लोकल गांव देश या लोकल जगहों से ऐसी शिक्षण सामग्री बनाना जो एक तो सस्ती हो, आई मीन सस्ती करते नहीं कि रद्दी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, साथ साथ विद्यार्थियों के दैनिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। तो यह रहा दोस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यकीन है लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। और अब आएंगे उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला प्रयागराज। तो यहाँ पे गाइज मैं चाहूँगा कि एकदम इसमें हर जगह एक डेटा है, इसको देखेंगे। 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला है वो SCRT की एक इकाई है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, जो आप देख सकते हो उसकी एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। यह यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा आपको लोकेशन बता दूंगा, लोकेशन लिखा हुआ है, चलेंगे। इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो पदेन, आई मीन ऑफिशियल निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है। इसमें जो मनोवैज्ञानिकों के पद हैं वो 2 तरह के क्रिएट किए गए, एक तो इसमें चीफ साइकोलॉजिस्ट होता है और एक केवल साइकोलॉजिस्ट होता है। जैसा आप लिखा गया है एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक। प्रयागराज जिले के कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के निकट लाउदर रोड रेतभाग से बताते हुए हंसी आ रही है, हंसी क्या आ रही है, मैं इसकी बिल्डिंग तो बहुत ही फटी हालत में है और कोइंसिडेंस ये है कि जो रामबाग में हमारा हेड ऑफिस है इसी रोड पे है उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला। तो चलेंगे, उद्देश्य इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक समझ का विकास करना, मतलब कि शिक्षक कैसे साइकोलॉजिकली स्किल्ड हो जाए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए, इन क्षमताओं का विकास करना। तथा शिक्षकों को परामर्श, जैसे जरूरत में शिक्षक भी तनाव के शिकार हो जाते हैं, इनको परामर्श निर्देशन देना भी और उनको भी उसके लायक बनाना ताकि वो बच्चों को दे सके। मनोवैज्ञानिक बनने का 1 वर्षीय निःशुल्क डिप्लोमा कहते हैं ना, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी, इस तरह से चलाती है। राज्य स्तर, देखिए यहाँ दो कई भर्तियों में भी इनकी सलाह ली जाती है, जैसे राज्य स्तर के खिलाड़ियों एवं पुलिस सब इंस्पेक्टर के चयन में इस मनोविज्ञान शाला की सलाह ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, देखिए गाइज राज्य स्तर के खिलाड़ियों के चयन में, क्यों देखो आप समझो, कोई जरूरी नहीं है कि हर खेल में टीम जीतेगी। कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ी हार जाते हैं तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में सिलेक्शन से पहले उनकी मनोवैज्ञानिक हालत, उनके प्रेशर को सहने की आदत। और आप देखो पुलिस इंस्पेक्टर का भी आप देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर का भाई थोड़ी सी बात पे आपने छोटी सी बात में उठा के गोली मार दी किसी बंदे को, तो इन लोगों के अंदर कितना मानसिक प्रेशर सहने की क्षमता है, इन सब में भी सलाह ली जाती है किसकी, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की। NCERT एक परीक्षा का हर साल आयोजन करता है, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसे हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कहते हैं, हम इसे इंग्लिश में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NTSE का आयोजन भी NCERT के साथ मिलकर करती है। कौन,
उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला, इनकी कुछ पुस्तकें हैं आपके बच्चे, ये इनकी एक त्रैमासिक पुस्तिका है। त्रैमासिक मतलब जो 3 महीने पर आती है पत्रिका। बलाघात जैसी कुछ पुस्तकें भी उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला द्वारा प्रकाशित की गई है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, भाटिया बैटरी, यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, भाटिया बैटरी लिख ही दे रहा हूँ। भाटिया बैटरी जो है, जो चंद्रमोहन भाटिया ने बनाई थी अराउंड 1955 के आसपास, वो भी एक कर्मचारी थे किसके, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के। तो जिला, और अगला पॉइंट है गाइस, तीसरा जो इंस्टीट्यूट लेना चाहूँगा, जिला चिकित्सालय। आपने देखा होगा हर ज़िले में जिला चिकित्सालय होता है, और यह हर ज़िले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र भी होता है, और इसका सबसे बड़ा अधिकारी आपने सुना होगा CMO बोलते हैं इसको, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो कुछ देखिए, यहाँ पे हमको इनकी दवा वाला पार्ट नहीं लेना है, हमको शिक्षा में इसका क्या योगदान है देखेंगे। तो आपने देखा होगा दिव्यांग छात्रों को, आपने जब भी देखा होगा जब दिव्यांगता का, अगर मैं देखो विकलांगता शब्द का इस्तेमाल अब नहीं करूँगा क्योंकि वो शब्द बदल गया है, तो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, कि भाई ये बंदा दिव्यांग है कि नहीं है, यह निर्धारण यह सर्टिफिकेट भी कौन देता है, जिला चिकित्सालय देता है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को आपने देखा होगा जो लोग हाथों से कभी कभी चलाते थे पहिया साइकिल, यह भी निःशुल्क वितरित किया जाता है जिला चिकित्सालय द्वारा। इसके अलावा दृष्टिबाधित छात्र जो कम साफ देख सकते हैं, इनकी आँखों का इलाज भी किया जाता है और इनको चश्मे भी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और श्रवण बाधित जो लोग कम सुन पाते हैं, इनके श्रवण शक्ति की जांच की जाती है, और साथ ही साथ जो आप इसे कर्णयंत्र बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, पर आम आदमी की भाषा में इसे सुनने की मशीन भी प्रदान की जाती है जिला चिकित्सालय द्वारा। तो गाइज, यह अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप खुद भी समझ गए होंगे, शिक्षा पहले ही पढ़ा चुका, 90% से भी ज़्यादा सिलेबस खत्म हो गया है। अब बिंदास इसको कंठस्थ करिए और डाइजेस्ट करिए दोस्त, और इंजॉय करते रहिए। अभी 2-4 दिनों की जो छुट्टियां हैं उनमें धुआंधार पढ़िए। चलिए, विद्दी IRP मिश्रा से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू।